राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने कांग्रेस के बाहर नहीं भेजा। राज्यसभा में सिंधिया पर वाम महाराज वाली चुटकी पर भी दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा बैठक के दौरान लॉबी में सिंधिया जी से मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को मंत्री बनाया, सम्मान दिया, उसी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, उससे मुझे दुख हुआ। दिग्विजय शनिवार को ग्वालियर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। वो सुबह दिल्ली से शताब्दी से ग्वालियर आए और यहां से सड़क मार्ग द्वारा गुना रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खून की सिंचाई बीजेपी करती है, बीजेपी नफरत और हिंसा की राजनीति करती है, हम शांति प्रिय सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दिग्विजय सिंह ने किसानों से चक्का जाम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा जो लोग कृषि कानून के विरोध में हैं, उन लोगों को सड़क पर आकर आज चक्का जाम में भाग लेना चाहिए। अवैध रेत खनन करने वाले माफिया शासन प्रशासन और मंत्री को हिस्सा दे रहे हैं, जब पैसा लेकर प्रशासन माफियाओं को रोकेगा तो ऐसे हमले होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर का चंदा उगाने वाले लोग माहौल खराब कर रहे हैं। इंदौर उज्जैन मंदसौर में दंगा कराने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं व्यक्तिगत तौर पर हाईकोर्ट जाऊंगा। सिंधिया खेमे के बीजेपी के जाने पुराने लोगों में असंतोष है। कांग्रेस से गद्दारी कर गए लोग बीजेपी में मंत्री बने हैं और बीजेपी के पुराने वफादार नेता बाहर हैं। आज अजय विश्नोई राजेंद्र शुक्ला जैसे नेताओं में नाराजगी पनप रही है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं का सरकार पर दबाव रहता है। आज हर जिले में अवैध शराब बन रही है। मुझे जानकारी है कि कई जिलों में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक शराब बनाने वाले माफिया अफसरों को बांटते हैं। उमा जी कहती हैं शराबबंदी होनी चाहिए, सीएम कहते हैं नई दुकानें नहीं खुलेंगी। नरोत्तम मिश्रा शराब बिकवाने की प्रबल इच्छा रखते हैं, अब किसकी बात माने पहले भाजपा ये तय कर ले। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिग्विजय के इन आरोपों पर सिंधिया की तरफ से क्या पलटवार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।